प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 7 विषय गणित का लेके आ चुके हैं फुल सोल्यूशन। तो देखने वाले हैं यहाँ पर 20 नंबर के टोटल पूर्णांक पूछे गए हैं। 20 ही ऑब्जेक्टिव आपको दिया गया था, तो इसी 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का फुल सोल्यूशन आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिखेंगे और शुरुआत करेंगे सही विकल्प के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए पहले प्रश्न का आपको आंसर द नंबर कर लेना, ये आपका राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यक्त करता है। तो दूसरे का आपको बा कर लेना है, राइट आंसर हो जाएगा -5, -2, -2, 5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो किया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक सबसे बड़ा है। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर बा कर लेना है, 1 हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, संख्या रेखा पर -2 के दाईं ओर कौन सी संख्या आती है। तो चौथे पर आपको आ कर लेना है, -1 आती है, ध्यान रखेंगे अ नंबर करेंगे, -1 आती है। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु दी गई संख्या रेखा पर संख्या -2 को व्यक्त करता है। तो पांचवे प्रश्न का आपको ब कर लेना है, ये बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, छठा प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु दी गई संख्या रेखा पर 4 को व्यक्त करता है। तो देखो यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ये जो है तो व्यक्त कर रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा छठे के लिए। सातवां प्रश्न देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या या कौन सा ऐसा बिंदु है जो दी संख्या पर --2 को व्यक्त करता है, --2 को व्यक्त करता है। तो सातवें प्रश्न को भी आप क्या करोगे, 7 का डी कर लेना, 7 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 का डी आप क्लियर करोगे तो वहां से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। माइनस माइनस का मतलब होता है प्लस का 2, ठीक है। अगला प्रश्न है, संख्या रेखा पर बिंदु सी का मान क्या है। संख्या रेखा बिंदु सी का मान बताना है। तो देखो बिंदु सी यहाँ आपको दिखाई दे रहा है तो -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 यानी अ नंबर आपको राइट कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न नोट कर लेते हैं, संख्या रेखा पर बी का मान क्या होगा। बी का मान यहाँ पर देखेंगे तो देखो बी का जो मान यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है तो 9वें प्रश्न में आपको ब नंबर कर लेना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा -6। अगर आप इसको चाहो तो यहाँ से काउंट कर लोगे तो ये -6 पे 8 400 400 400, जी हाँ याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट और क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके सीधे व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउट नेट का 8 400 400 400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE NEET CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आके रुकेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 10वां प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरिए, 2 - 4, 4 - 2 इसका इक्वल करना है। तो 11वें प्रश्न 10वें प्रश्न का जो आंसर आएगा वो ब नंबर आएगा, यानी आपस में छोटा बड़ा का निशान लगाओगे, ठीक है। रिक्त स्थान भरिए, इसमें भी आपको देखना है तो 11वें प्रश्न में 12 - 18 और -12 - 18 करना है। तो 12वें प्रश्न का जो आंसर आएगा वो सा नंबर आएगा, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका योग -5 है। 12वें प्रश्न में आपको बताना है, तो 12वें प्रश्न में आपको 11वें में आपको कौन सा लगाना था, तो 11वें में देखेंगे आ लगाएंगे, सॉरी 11वें में आपको अ नंबर लगाना है, 12वें में आपको स नंबर लगाना है, -14 और 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13वें प्रश्न की बात करते हैं, तो 13वां प्रश्न आपको ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 के बराबर है। 13वें प्रश्न का जो आंसर आएगा वो सा नंबर आएगा, यानी 12 से 9, ठीक है, 12 से 9 13 का आपका आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस व्यंजक का मान धनात्मक संख्या के रूप में है। तो 14वें प्रश्न का आंसर आपको आ नंबर कर लेना है, निम्नलिखित में से किस व्यंजक का मान ऋणात्मक संख्या के रूप में है। तो 15 का मान आपका ब हो जाएगा, ठीक है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यंजक का मान 0 है। तो 16वें प्रश्न में आपको श कर लेना है। 17वां प्रश्न है, -8 × 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको राइट आंसर करना है, 17 वाले प्रश्न में आपको श नंबर कर लेना है, कौन सा ऑप्शन करोगे, -24 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, -5 × -15 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका ब हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 15 + 75 होता है क्या बताइए, 15 × 75 होता है, ये आपका यहाँ पर मेंशन किया गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 77 × 11 का मान ज्ञात कीजिए। तो 19वां प्रश्न का आपका ब नंबर राइट हो जाएगा, 847 होगा।
अगला प्रश्न है माइनस 9 इंटू 0 का मान ज्ञात कीजिए, तो 20वें प्रश्न का सौ ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी संख्या का 0 से गुणा कराते हैं तो उसका मान 0 होता है। इस तरह से आज का जो आपका गृह कार्य यानी आपका जो प्रथम परीक्षा मूल्यांकन थी वो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कंप्लीट हो सके। और अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट lpexam.in पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर कक्षा 7 के सभी विषयों का PDF ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया, आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों को जो भी शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप लेटेस्ट जानकारी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आपकी लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।